ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत और आपका आभार है। 30 नवंबर को शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव जब भी गोचर करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उसके बहुत ज़्यादा ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि शुक्रदेव वैभव, धन, जितनी सारी जीवन में भोग और विलासिता की चीज़ें हैं उन सभी पर एक छत्र राज शुक्रदेव का होता है। लेकिन बहुत सारे जातकों को शुक्रदेव की वजह से परेशानियां भी उठाना पड़ता है, जैसे कि शादी विवाह में बहुत अड़चने, रुकावटें, पति पत्नी के बीच तनाव, भाई भतीजा और इनके बीच में जमीन को लेकर विवाद होना, जितने सारे पारिवारिक संभावनाएं जहां कर होती है, संवेदनाएँ और भावनाएं होती हैं, वहां पर शुक्र अगर खराब हो तो बहुत बार परेशानियां भी हमें प्रदान करता है। लेकिन यह जो शुक्रदेव 30 नवंबर को गोचर कर रहे हैं, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और कैसे इस पूरे परिवर्तन को आपके लिए हम देखते हैं, यह इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहली बात है कि इस पूरे परिवर्तन से आपको आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो आपके रुके हुए कार्य हैं, जैसे उदाहरण के लिए जमीन जायदाद, व्यापार, प्रेम प्रसंग, शादी विवाह, दाम्पत्य, या यूँ कहें कि दो लोगों के बीच जहाँ बहुत अच्छे पहले रिश्ते थे लेकिन अभी कुछ दिनों से खराब हो गए, उन सभी जगहों पर आप सुलह की तरफ जाएंगे और जितने आपके अड़चने, रुकावटें आ रही हैं वो सभी कामों में आपकी तेजी प्रदान होगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। दूसरा प्रभाव यह भी होगा कि जो कुछ भी चीज़ें हमने अभी तक खो दी थी वो सभी प्राप्त होने की संभावनाएँ रहेगी जो वर्तमान में हमें मिल सकती है। आप सभी को जो प्रयोग के स्वरूप करना है वह करना है, भगवान भोलेनाथ को इत्र लगाना है, जल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को इत्र लगाएं। आप यह प्रयोग करेंगे तो इस शुक्र के बदलाव से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो।